शादी के बाद एक लड़की को सबसे ज्यादा क्या भाता है? कपड़े, गहने, जेवरात, घूमना फिरना, शॉपिंग पर जाना। हाँ, ये सब तो भाता ही है। और एक शादीशुदा लड़की को क्या, ये तो किसी को भी पसंद आएगा। असल में शादी के बाद सबसे कीमती हो जाते हैं मायके वाले और मायके से आए हुए गिफ्ट्स, चाहे उन गिफ्ट्स में कुछ भी क्यों ना हो। और ऐसे ही अपने मायके के अचार की शिखी ज्योति बखार रही थी। क्या अचार भिजवाए थे मम्मी तुमने पिछली ठंड में? मेरी सास तो उंगलियां ही चाटती रह गई थी। गाजर का अचार तुमसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। अभी तक चल रहे थे मेरे ससुराल में। पराठों के साथ सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, अचार के साथ ही ना सब रोटी खा लेते थे। मायके से आई हुई चीजों की ना अलग ही बात होती है मम्मी, क्योंकि उसमें वहां का प्यार जो होता है उसकी बरतर कोई कर ही नहीं सकता। ये तो है बेटा, माँ अपना तन मन लगाकर बेटी के लिए उसकी ससुराल में चीजें भेजती है। बेटी की याद में माँ इसके सिवा कर भी क्या सकती है मम्मी? अब हर तीसरे दिन उसके ससुराल जाकर तो बैठ नहीं जाएगी, है कि नहीं भाभी? आपकी मम्मी को भी तो आपकी याद आती होगी, पर ध्यान नहीं आ रहा आखिरी बार उन्होंने क्या भेजा था आपके लिए। काफी वक्त हो गया ना, कुछ भेजा था क्या मम्मी? मेरी तो खुद की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है, कल क्या खाया वो ध्यान नहीं रहता, ये बातें क्या याद रहेगी बेटा। लड़ाई में तो आज से 30 साल पहले मैंने आपको क्या कहा था, वर्ड टू वर्ड बता दी थी आप, और आपको याद नहीं रहता? याददाश्त तो हमारी जा रही है और चैन भी। क्या बोले? कंबल आया था बहू के घर से, कितनी मुश्किल से समझी लेकर आए थे, भूल गई क्या आप? तब कंबल ही आए होंगे बेटा, देख तेरे पापा बता रहे हैं, उन्हें ठीक से याद है। कंबल? हाँ याद आया। बताओ मम्मी, ये भी कोई भेजने की चीज है? वो भी एक कंबल आया था जो आते ही अपने कमरे में ले गई थी और फिर उसे चूहे कुतर गए थे। क्या जरूरत है ऐसी कमजोर चीजें भेजने की आपके मायके वालों को भाभी? ये क्या बात हुई दीदी, कंबल तो कपड़े का होता है, कोई लोहे का तो नहीं, सो कुतर गए चूहे। और तब से आप जिस गाजर के अचार की तारीफ कर रही है ना, वो अचार भी मैंने ही बनाकर आपकी ससुराल भिजवाया था दीदी। ये कहकर पूजा ज्योति का मुंह बंद करवा देती है। दोपहर में जब सभी अपने अपने कमरों में आराम करने जाते हैं, मौका पाते ही पूजा अपनी माँ को कॉल लगाती है। मिल गई फुर्सत माँ को फोन लगाने की, तू तो ससुराल जाकर वहीं की हो गई है पूजा। तो क्या करूं मम्मी, हर तीसरे दिन मेरी ननद आकर मेरे सर पर बैठी रहती है, दीदी का नेचर तो आप जानती हैं, हर बार कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है, और इस बार ना मुझे इस बात पर ताने दे रही है कि मेरे मायके से गिफ्ट्स नहीं आते। तो मैंने ये बोलने के लिए फोन किया है कि बाजार से 2-3 साड़ियां और शर्ट पीस ले आते हैं, और कह दूंगी मम्मी ने भिजवाए, किसी ने भी फोन करके पूछा ना तो आप ही यही बता देना कि आप ही ने दिए हैं, ठीक है? अरे बेटा इतना दिमाग क्यों लगा रही है तू? गांव से पहली फसल के गाजर आए हैं, ट्रक निकल गया है, तेरे पापा पहुंचते ही होंगे तेरे ससुराल लेकर। सुषमा ये कह रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। पूजा जाकर दरवाजा खोलती है और क्या देखती है, उसकी पापा गाजर लेकर उसके ससुराल आए हैं। बहुत अच्छे समय पर आए हैं पापा, इस गिफ्ट की ना मुझे बहुत जरूरत थी, ये गाजर नहीं सोना है सोना। अपने पापा को चाय नाश्ता करवा कर पूजा भेज देती है और लग जाती है गाजर की सफाई में। शाम को कभी राहुल, कभी मुकेश, तो कभी उमा एक एक करके आते और रसोई का चक्कर लगाकर जाते। चाय नहीं मिली आज तो, फ्रेशनेस नहीं लग रही। तो एक एक कर आप ये सब बातें मुझे क्यों बोल रहे हैं? भाभी से कहिए, क्या हो गया भाभी? मायके से सोना नहीं आ गया जो उसे पॉलिश करती जा रही है? चाय भी बना दो। सोना ही है दीदी, रात को सीधा सोना ही खाने को मिलेगा। पूजा शाम की चाय भी नहीं बनाती और गाजर को ही धोने और कसने में लगी रहती है, और रात के खाने के साथ सभी को परोसती है ड्राई फ्रूट्स मारकर गाजर का हलवा। ये क्या बवाल चीज खिला दी तुमने पूजा, मजा ही आ गया, आग लगा दी आग। तुम बिल्कुल सच कह रही थी, तुम्हारे मायके से तो सोना आया है, इसे खाकर तो चाय से भी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा बेटा, ठंड के मौसम में गाजर के हलवे से अच्छा हो ही क्या सकता है। अभी तो मार्केट में गाजर सोने से भी महंगे बिक रहे हैं, ऐसे में बहू के मायके से इतने गाजर आ गए, वो भी इतने मीठे, ये तो डबल फायदे की बात होगी। सभी पूजा के बने हलवे की बड़ी तारीफ करते हैं, पर ज्योति मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ये दीदी का मुंह है या नानी का घुटना, जब देखो सूजा ही रहता है, राम जाने अब क्या हो गया इन्हें। क्या बात होगी दीदी, आपको हलवा पसंद नहीं आया, कुछ और ला दूं? पसंद ना पसंद की तो बात ही नहीं है भाभी, और ये कुछ और ला दो क्या होता है, ये मेरा घर है, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगी, या मुझे हलवा ही नहीं खिलाना चाहती आप, ऐसा है तो साफ साफ बोल दीजिए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था दीदी, आपका दिल क्यों दुखा है ये बताइए। जब आपको पता था कि आपके मायके से गाजर आ रहे हैं और आप गाजर का हलवा बनाने वाली हैं, तो घर के दामाद को इनवाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं आपकी? सीजन का पहला गाजर आया है, मेरे मायके में ठंड का पहला हलवा बना है, और मेरे पति को ही नहीं मिला, ऐसा हलवा मैं खाऊंगी क्या? ये तो बड़ी भूल हो गई दीदी, अनजाने में आपने एक कटोरी हलवा ऑलरेडी खा लिया है। मेरा मतलब है कि आप जीजा जी के लिए हलवा पैक करके ले जाइए, वैसे भी उनके पास वक्त कहाँ होता है, कितना काम करते हैं वो। पहले हलवा तो खत्म हो गया राहुल, ये तो और अच्छा हुआ, कल सुबह गर्मा गर्म हलवा बनाकर मुझे पैक करके दे दीजिएगा भाभी आप, मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी। और हाँ बना रही है तो सबके लिए बनाइएगा, मेरे ससुराल में टोटल 5 लोग हैं। सभी हलवा खाकर तारीफ तो बहुत करते हैं, पर इससे पूजा का काम जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि आज हलवा बनाने में 4 घंटे लगाने के बाद कल पहले ही हलवा बनाने का ऑर्डर उसे मिल चुका था। अगली सुबह पूजा को जल्दी उठकर अपनी ननद के ससुराल वालों के लिए हलवा बनाने की तैयारी में लगना पड़ता है। सुबह 6 बजे कौन उठता है, वो भी ठंड की सुबह, पर 9 बजे दीदी निकल जाएगी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। अपनी ननद को देने का हलवा पैक करने के बाद पूजा सभी का नाश्ता तैयार करती है। तैयार होकर सभी खाने के टेबल पर पहुंचते हैं।
हलवे की स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, मैं तो हलवे के साथ ही पराठे खा लूंगा। मैंने तो बस दीदी को देने के लिए हलवा बनाया था, हलवा खत्म हो गया है राहुल। ठीक है फिर मेरा नाश्ता मत लगाओ, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। पूरा मूड ऑफ कर दिया तुमने सच में। सोचकर उठा था कि हलवा खाकर जाऊंगा तो तंदुरुस्ती महसूस होगी। बड़बड़ाता हुआ राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसा तो नहीं है कि गाजर बहुत महंगे हैं, हमें खरीद कर लाने पड़ेंगे, जो तुमने हलवा बनाने में कंजूसी की। बहू ज्योति के लिए बना ही रही थी हलवा, तो हम सबके लिए भी बना देती। रसोई में हमेशा दो आटी ज्यादा ही खाना बनाना चाहिए ताकि किसी को कम ना पड़े। आज ऐसी हरकत करके मन तो मेरा भी तुमने खराब कर दिया बहू। मुझे भी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ये भी उठकर चले गए, ये क्या बात हुई? तू उदास मत हो बहू, आकर बैठ जा मेरे पास। नाश्ता बनाने में मेहनत की है तो उन्हें बर्बाद थोड़ी ना कर देंगे। किसी का पति और ससुर दोनों नाराज हो उसमें लड़की क्या कर सकती है। उन दोनों को मनाने के लिए पूजा फिर से गाजर का हलवा तैयार करती है और अपने ससुर जी के कमरे में लेकर जाती है। ये बिना बात बेटा, खाने के साथ हलवा, ये पूरा हुआ खाना। अब मैं जाकर राहुल के ऑफिस में उसे हलवा पहुंचा कर आती हूँ, वो भी कुछ खा लेगा, उसने भी नाश्ता नहीं किया। पूजा राहुल के ऑफिस में हलवा लेकर जाती है और उसे सरप्राइज देती है, जिससे राहुल बहुत खुश होता है। और रात को फिर से गाजर के हलवे को लेकर ड्रामा ना हो इसलिए पूजा पहले ही गाजर का हलवा बना लेती है। पर उसे क्या पता था कि ऑफिस से आज राहुल अकेला नहीं अपने दोस्तों के साथ लौटने वाला था। अरे हटो हटो, पहले मुझे मिलना चाहिए, मेरी हलवा क्वीन भाभी ने क्या हलवा बनाया था भाभी, वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्या हलवा लेकर आई थी भाभी? हमसे तो रहा ही नहीं गया, ऑफिस ऑफ होते ही हम तो राहुल के साथ यहाँ हलवा खाने आ गए। लगाओ लगाओ हलवा लगाओ पूजा। पूजा अपने और अपनी सास के हिस्से का हलवा भी राहुल के दोस्तों को परोस देती है और इसी बीच फिर से हलवा बनाने की तैयारी में जुट जाती है। राहुल के दोस्त हलवा खाते तो हैं, साथ में पैक करके भी लेकर जाते हैं। सभी के जाने के बाद पूजा को सारे झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं, सो अलग। पता नहीं वो कौन सी मनहूस सुबह थी जिस सुबह मैंने गाजर का हलवा बना दिया, बहुत बड़ी गलती होगी। जब देखो हलवा हलवा हलवा, पहले तो 3 टाइम का खाना बनाओ फिर साथ में हलवा भी बनाओ। मजाक है क्या हलवा बनाना? ऊपर से राहुल अपने गेस्ट को भी लाने लगा। रात को 11 बजे जहां सभी हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं, पूजा खुद की बदकिस्मती पर रोती हुई बर्तन धोती जाती है। तभी उसकी बची कुची खुशी को मटिया पलित करने उसकी ननद उसे फोन कर देती है। हलवा ठीक ठाक बना लेती हो भाभी आप? अच्छा लगा था आपकी जीजा जी को, पर इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि आपने इन्हें घर पर हलवा खाने के लिए इन्वाइट नहीं किया। खैर आपने नहीं किया तो बात को संभालने के लिए मैंने इन्हें झूठ झूठ कह दिया कि भाभी ने कल हलवा खाने को बुलाया है, सो कल हम आ रहे हैं, तैयार रखिएगा हलवा। ये सुनते ही पूजा को तो चक्कर आ जाते हैं और वो हिम्मत हार जाती है। राहुल और मुकेश के अपने कमरे में जाने के बाद उमा अपनी बहू के पास आती है। कुछ कुछ चीजें एक सीमा तक ही अच्छी लगती है बहू, पहले मैं भी तेरे जैसी ही थी, शादी होकर बड़े परिवार में जाना चाहती थी जहां प्यार हो दुलार हो। पहली रसोई में सभी के लिए खाना बनाया मैंने, मेहमानों ने खाया भी और साथ में बांध कर भी ले गए। उसके बाद क्या, आए दिन मेहमान मेरे बनाए खाने को खाने वापस आने लगे, कोई अकेला आता कोई 2-4 रिश्तेदारों को साथ लाता, मेरा सारा दिन रसोई में गुजरने लगा। भले मैं बीमार रहूं या मेरी तबीयत खराब हो, सबको मुझसे बस खाने की ही उम्मीद रहती, और इस सब में मैं तेरे पापा जी को भी कभी वक्त नहीं दे पाती थी। बड़े लफड़े हुए हम दोनों के बीच इस कारण, इतना सब कुछ करने के बाद भी बुरी तो मैं ही बनी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये गलती तू दोहराए। पर कल तो दीदी और जीजा जी आ रहे हैं, उनके लिए तो हलवा बनाना पड़ेगा ना मम्मी जी। मतलब तू फिर से 6 बजे उठेगी? मैं अपनी बहू पर इतनी ज्यादती होती नहीं देख सकती। गाजर का इस्तेमाल तू कर बेटा, पर उससे हलवा मत बना। हलवा भी बनाएगी फिर अलग से खाना भी बनाएगी, इतनी मेहनत से अच्छा है दोनों को मिला दे। और उमा अपनी बहू को ऐसा आइडिया देती है जैसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अगली सुबह नाश्ते में सभी को परोसे जाते हैं गाजर के पराठे। गाजर के पराठे भाभी? घर की इकलौते दामाद को ये कॉमन सा गाजर का हलवा बना कर देती क्या मैं? दीदी के मायके वालों की ऐसी इमेज थोड़ी ना सेट करती थी आपके सामने। जीजा जी आप स्पेशल है और स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल डिश बनती है। पर गाजर का पराठा भाभी? ये पराठा उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना काम होता है कि पूरा खाना खत्म करने का वक्त ही नहीं बचता, जैसे कि हमारे जीजा जी और मेरे प्यारे पति। और पापा जी आपको भी कितना काम होता है, आप लोग बात करना छोड़िए, पहले जरा गाजर का पराठा खाइए फटाफट। अरे बहू क्या चीज बनाई है, लग रहा है गाजर का हलवा और पराठा साथ में खा रही हूँ, मजा आ गया बेटा। भाई वाह वाह वाह, मैंने कहीं पढ़ा था मम्मी जी कि समझदार लोगों को ये डिश बुरी लग ही नहीं सकती, और ये सच भी साबित हो गया कि आप सबको ये पसंद आई। अब प्रेशर में राहुल और मोहित को भी पराठों को अच्छा बोलना ही पड़ता है और यहाँ सभी फंस जाते हैं। पूजा सभी को पेट भरकर गाजर के पराठे खिलाती है, उसके अलावा अपनी ननद और नंदोई को सफर के लिए पराठे पैक करके भी देती है। 12 पराठे पैक कर दिए दीदी, अगर कम लग रहा है तो बताइए और पैक कर दूं। हाँ बहू इतने से पराठे में होगा ही क्या, सिर्फ तेरे मायके से आए गाजर को खाने यहाँ तक आ गई है मेरी बेटी और तू इसे इतने कम में टरका रही है। 10-20 पराठे और डाल दे, फ्रिज में रखकर खाती रहेगी, जब मन होगा फ्रिज में खाना थोड़ी ना खराब होता है। अपनी ननद को विदा करने के बाद पूजा गाजर के पराठों को गाजर के सलाद के साथ राहुल के टिफिन में डालकर पैक कर देती है। दोपहर के खाने में पूजा ना दाल चावल बनाती है ना ही कुछ और, फिर से गाजर के पराठे अपने ससुर जी के सामने रख देती है। फिर से गाजर के पराठे बहू? तो और कुछ बना दूं क्या पापा?
नहीं, थोड़ा बहुत अलग भी कुछ ट्राई कर सकती हो बहू। ठीक है, रात को बना दूंगी। और रात को खाने में पूजा सभी को परोसती है गाजर के पराठे गाजर के अचार के साथ। आहा, मीठा पराठा साथ में खट्टा अचार, मन हरा हरा हो गया बहू। वाह वाह, क्या खाना बनाती है तू। सब राहुल की मेहरबानी है ना, वो तुझे बार बार हलवा बनाने को कहता ना ही तेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आता। इसी तरह अब घर में हर वक्त खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गाजर के पराठे ही पूजा बनाने लगती है। एक शाम परेशान होकर मुकेश सामने से अपनी बहू से कहता है, चाय के साथ पकोड़े देना बहू, गाजर के पराठे मत थमा देना। संडे का असली मजा तो पकोड़ों में ही है। ठीक कह रहे हैं पापा। मेरा प्लान इतनी जल्दी आप दोनों फेल नहीं कर पाएंगे। पूजा अपनी सास की ओर देखती है और उन्हें इशारा कर देती है, फिर रसोई से बनाकर लाती है गाजर के पकौड़े। जैसे ही राहुल पकौड़ों को मुंह में लेता है वो उसे थूक देता है। ये तो मीठा है, क्या डाला है इसमें? मजाक मत करो, तुम अपने फेवरेट हलवे को कैसे भूल गए, वो भी इतनी जल्दी। इसके अंदर गाजर का हलवा है और क्या होगा। मुझे तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं बेटा। मैं क्या कहती हूँ, इसका ना बिजनेस कर ले तो, गाजर के पकौड़े। इंसान पहले पकौड़े खाता है फिर गाजर का हलवा खाता है, और वैसे भी दोनों जाकर पेट में एक ही हो जाते हैं, उससे अच्छा सीधा हलवे का पकौड़ा ही खा लो। अब समझ रही है आप क्या बोल रही है उम्मा जी, सोच कर तो बोला कीजिए। ऐसा नाश्ता देखकर दोनों बाप बेटे अपने कमरे में लौट जाते हैं। अब इस गाजर के हलवे से छुटकारा पाने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला दे बेटा। और पूजा अपनी ननद को कॉल लगाती है और उन्हें और अपने नंदोई को खाने पर बुलाती है। एक साथ पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा हुआ था। उमा और पूजा एक एक कर बनाए हुए सारे डिशेस को टेबल पर लगाती है। सो आज मैंने सभी के लिए बनाए हैं दही और गाजर की बड़ी, गाजर की पकौड़ी, गाजर का अचार, गाजर के पराठे, गाजर का पापड़, गाजर की फुल्की, गाजर की पुरिया और गाजर राइस। और इन सबको और भी टेस्टी बनाने के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा शो स्टॉपर, आप सभी का फेवरेट गाजर का हलवा। ये सुनते ही आज तो राहुल हाथ जोड़ लेता है और अपने घुटने टेक देता है। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ पूजा, इस गाजर के हलवे को अब टाटा बाय बाय कर दो। बहुत हलवा खा लिया मैंने, गाजर का हलवा, पराठे में हलवा, पकौड़ी में हलवा, और अब पापड़ और फुलके में भी हलवा। नहीं नहीं नहीं, इतना भी पसंद नहीं है मुझे हलवा। तुम नहीं खाओगी तो क्या हुआ, दीदी को तो पसंद है ना दीदी। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, मम्मी ने जो पिछली बार इतने सारे पराठे पैक करवा दिए थे उसी का स्वाद मेरे मुंह से नहीं जा रहा है। मेरी मानो तो सभी रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं, अभी सर्वे को ना टाटा बाय बाय कर दो। उमा का आइडिया ऐसा काम करता है कि पूजा रोज रोज के झंझट से बच जाती है।